अपनी जमीन, अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिली है मेरे दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। और ये रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4th है, आप या फिर ये कहें इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 4 है। हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप प्रिपरेशन करें सिलेबस अपने सामने रखें, क्योंकि सिलेबस से ही चीजें क्लियर होती हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो मैथ्स का सिलेबस तो हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, रीजनिंग के सिलेबस को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं और कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस रीजनिंग के सिलेबस के अंदर है ना, एनालॉजी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है हमने। इसके अलावा क्लासिफिकेशन जो कि 2nd चैप्टर था, इसके साथ साथ सीरीज को भी हमने कंप्लीट किया है। तो आज बारी है कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने की। तो सबसे पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और एक बार अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको बनने वाले हैं, यकीन मानिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट के अंदर दो बेसिक्स बातें हैं, पहला होता है लेटर की कोडिंग और दूसरा होता है नंबर्स की कोडिंग। पहला किस चीज़ का होगा, पहला होगा लेटर की कोडिंग और जो दूसरा होता है ना वो होता है हमारा किसका, नंबर्स की कोडिंग्स। तो लेटर्स की कोडिंग्स और नंबर्स की कोडिंग दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे, एक होगा हमारा लेटर की कोडिंग और दूसरा होगा नंबर्स की कोडिंग। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लेटर्स की कोडिंग के बारे में। और लेटर का जो कोड होता है ना वो ABCD में जो नंबर्स होते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि A कौन सी पोजीशन पे आता है, B किस पोजीशन पे आता है, C D A B C D E F G H I J K L M। और फिर आपको ये देखना है कि इनका अपोजिट क्या होगा। तो N, M का अपोजिट N होगा, राइट, M N O, फिर हो गया ये P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया RS, ये हो गया T, ये U, ये V, ये W, ये X, ये Y और ये Z। अब हमें याद भी करना है कि A का अपोजिट क्या होगा, B का अपोजिट क्या होगा। तो नंबर्स को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नंबर्स कहाँ कहाँ पे होने वाले। देखिए सबसे पहले इनको समझने का है ना एक कोड लेटर है, उस कोड लेटर को जब आप समझते हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। और इस कोड का नाम है ई ज्योति। क्या नाम है, ई ज्योति। तो ई जे ओ टी वाई। अब जो ई होता है ना ये 5th पोजीशन पे आता है और जो जे होता है वो 10th पोजीशन पे आता है और जो ओ होता है ना वो 15th पोजीशन पे आता है और जो टी होता है ना वो T20 मैच से आप याद रख सकते हो 20वें नंबर पे आता है और ये जो Y है ना ये आता है 25th नंबर पे। अब आप देखिए यहाँ पे E आता है 5th नंबर पे, ये आता है 10, ये आता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25। अब इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले A B C D, D तक तो सबको पता होता है और E भी आपको पता है, तो हम F से शुरुआत करते हैं। F आप देखिए, F में ये यहां से अगर मैच कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये याद करने की टेक्निक्स है जहां से आपको ये याद रहेगा। G, G में आप देखेंगे तो 7 ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो ये G 7 नंबर पे आ गया। H, H में देखिए आप इन दोनों को मिला दीजिए, ये 8 बन गया, तो हमारा जो H है वो 8th पोजीशन पे आता है। I स्मॉल लेटर में 9 की तरह दिखता है तो ये 9th पोजीशन पे आता है। 10, J का हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये 10 नंबर पे आता है। तो 10 तक तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया। अब आता है K, K किस पे आता है, 11 नंबर पे। L, L में ही 12 छिपा हुआ है, 12 से जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो L आपको याद हो जाएगा। L किस नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। M, M किस नंबर पे आएगा, M आएगा 13 नंबर पे, 13 के जस्ट बाद आएगा आपका 14 यानी कि N हो जाएगा और 15 आपको पता ही है O होता है, राइट। तो 15 तक के नंबर्स तो इजीली आप रिलेट करके समझ सकते हो। और इसके बाद के जो कुछ नंबर हैं, M N O P, P में आप देखिए अगर इधर एक नंबर लग दें तो ये 16 की तरह कुछ दिख रहा है, तो ये P आपको याद हो गया।
क्यू क्यू एक क्वीन, क्वीन यानी कि रानी जो होती है उसके 17 महल है, तो 17 से आप याद रख सकते हो इस तरीके से, तो क्यू 17 नंबर पे हो गया, राइट। एम एन ओ पी क्यू आर, आर इसके जस्ट बाद आएगा तो 18, राइट। एस सी, सी मतलब होता है लड़की, यानी कि 19 ईयर आप इस तरीके से याद रख सकते हो, शी यानी कि वो 19 साल की है, तो एस 19 से याद रख सकते हो। टी 20 मैथ से हम टी को याद रख सकते हैं, तो हर एक वर्ड को आप किस तरीके से याद रख सकते हो, उसके नंबर्स की, उसको पोजीशंस की, ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाओ, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमने टी 20 मैच देख लिया, टी के बाद होता है यू, यू मतलब होता है युवा, जो कि 21 साल में होते हैं, तो यू से आप याद रख सकते हो युवा को 21st, और वी इसके जस्ट बाद आता है तो 22, राइट। यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आप इसके बाद आएगा 23, राइट। और W देखिए 3 जैसा दिख रहा है, तो आप ऐसे 2 लगा दो, 23, है ना। आपको याद रखना है U V W X, X 24, Y आपको पता है ये तो ऑलरेडी 25 पे आता है, और Z 26 पे। अब नंबर्स 1 से लेकर 26 तक तो आपको याद हो गए, सिंपल। अब इनके अपोजिट याद रखना है कि A का अपोजिट क्या होगा, A का अपोजिट होता है Z। अब आपको ये याद रखना है कि A का अपोजिट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है चीजों को समझना। अगर आपको सीधे नंबर याद है तो आप उल्टे नंबर उनके ऑलरेडी पता कर सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड होगा, बी का जो अपोजिट होगा वो वाई होगा, सी का अपोजिट जो होगा वो एक्स होगा, राइट। और इसी तरीके से जो डी है, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे क्या हो जाएगा एक्स, और यहां पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यू, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू हो जाएगा। तो आप इनको याद भी रख सकते हो, कैसे याद रखोगे, देखिए ये 1th पोजीशन पे आता है, ये 2nd पे आता है, ये 3rd पे आता है, ये 4th पे आता है, और ये 26 पे आता है, राइट। और ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 25, और ये आ रहा है 24, और ये आ रहा है 23। अब एक चीज कॉमन इन दोनों ही चीजों में आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, जब आप अपोजिट को और जो सीधे में नंबर आ रहे हैं और जो इनका अपोजिट है, इन दोनों को प्लस करोगे ना, इनका सम 27 होगा। नंबर होते हैं 26 ए से लेके जेड में, लेकिन इन दोनों को प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 25 और 2 27, राइट। 24 और 3 क्या हो जाएगा, 27। 23 और 4 क्या हो जाएगा, 27। आप समझ पा रहे हो दोनों का सम क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका अपोजिट क्या है। अब जैसे मान लो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 20 का अपोजिट क्या होगा, यानी कि टी ट्वेंटी का अपोजिट क्या होगा, टी 20 पोजीशन पे आता है ये आपको पता है, तो 27 में से 20 को माइनस कर दो, 27 में से 20 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 7, यानी कि इसका जो अपोजिट है ना वो जी होगा, जी जो कि 7 नंबर पे आता है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो, जैसे कुछ और ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, वहां से आप याद रख सकते हो। जैसे ए आजाद, तो ए का अपोजिट जेड हो गया, राइट। बी फॉर बॉय, तो बी ओ वाई, वाई छुपा हुआ है, तो आप इसे याद रख सकते हो। क्रैक्स बिस्किट खाते हो आप, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा। ड्यू ओस माउंटेन ड्यू, आप ये ड्यू याद रख सकते हो इस तरीके से, राइट। ए बी सी डी ई, अब ई है, ई का अपोजिट आपको देखना है कि ई का अपोजिट क्या होगा, तो आपने ड्रीम इलेवन खेलते हो आप, तो ये हो जाएगा वी, ई एल ई वी ई एन, तो वी आपको इलेवन, इलेवन में वी है, तो ई और वी इस तरीके से। इवन नंबर से याद रख सकते हो आप, ई वी है, तो ई से इवन याद रख सकते हो, यानी कि आप एक वर्ड के साथ में कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो, और जो आपको सिंपल लगे आप उसी के थ्रू ही याद रखो, वो ज्यादा सिंपल है आपके लिए, राइट। और नंबर्स के थ्रू मैंने बता दिया, 27 में से माइनस करोगे इजीली, जैसे अब ई का अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है, तो 27 में से आपको पता है ई 5 नंबर पे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22, राइट। तो 22 मतलब क्या, वी, राइट, वी 22 पे आता है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ई के बाद आ गया एफ जी एच आई जे और के, राइट। तो अब ये 6 नंबर पे आता है, तो 21 पे क्या आता है, यू आता है, राइट। तो फन से याद रख सकते हो यू को, राइट। और
अब आपको याद रखना है कि जी यू हो गया तो टी, राइट, गोट बकरी होता है तो टी याद रख सकते हो, यहाँ पे T20 हो गया, तो जी टी एक्सप्रेस से भी याद रख सकते हो, ग्रांड ट्रक रोड से भी याद रख सकते हो। तो आप कौन से वर्ड से याद रख सकते हो कि जी का अपोजिट टी होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप चीजों को फन वे में लर्न करोगे उतना ही चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं। मैं केवल आपको वर्ड्स बता रहा हूं कि किस तरीके से आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हो, राइट, बहुत क्लियर है ना। आप HS है ना, आप हाई स्कूल से याद रख सकते हो, HS हाई स्कूल, और इस तरीके से आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो कि कौन से पोजीशंस पे क्या आने वाला है। इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो कि आई का जो अपोजिट होगा वो आर होगा, इंडियन रेलवे आई आर, क्लियर है। अब इसी तरीके से अब आपको जे का अपोजिट याद रखना है तो क्या करोगे आप, पी क्यू क्यू यहाँ पे आएगा, जैकलिन फर्नांडिस जे क्यू, जे क्यू जैकलिन से याद रख सकते हो। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड से चीजों को लर्न करने वाले हो। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये जीटी एक्सप्रेस हो गया, ये हाई स्कूल हो गया, ये हो गया इंडियन रेलवे, ये हो गया जैकलिन फर्नांडिस जे क्यू, राइट। अब यहाँ पे केविन पीटरसन से याद रख सकते हो केपी, केविन पीटरसन, के का अपोजिट पी होगा, केविन पीटरसन, राइट। तो हम अलग अलग चीजों के थ्रू याद रख सकते हैं, के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, बस आपको यहीं तक याद रखना है, बाकी चीजें तो खुद ही याद हो जाएंगी। फिर एन हो गया ओ, एल ओ लव से याद रख सकते हो, एल का अपोजिट ओ होता है, राइट, एल ओ वी ई, राइट। और इसी तरीके से आप मैन, एम एन मैन, मैन एम का अपोजिट एन, तो इस तरीके से अगर आप 13 याद कर लिए इसका अपोजिट ये हो गया, उसके थ्रू इन चीजों को याद रख सकते हो। तो बहुत सिंपल है कि ए मतलब आजाद, बी मतलब बॉय, सी मतलब क्रैक बिस्किट्स, डी मतलब ड्यू, ओ से याद रख सकते हो, 11 से याद रख सकते हो, इवन नंबर से याद रख सकते हो, ई का अपोजिट वी होगा। इसके बाद एफ आ गया तो फन से याद रख सकते हो, राइट, एफ जी, जी टी एक्सप्रेस से याद रख सकते हो, एच हाई स्कूल से याद रख सकते हो, आई, आई का जो अपोजिट है इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो आई को, है ना। आई के बाद क्या आ जाता है, एल एम एन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे से याद रख सकते हो, जैकलिन फर्नांडिस जे का क्यू हो जाएगा, जे, जे के बाद आ जाता है जे के, केविन पीटरसन के पी, जे के एल, एल ओ लव से याद रख सकते हो, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, एल एल एम, एम का एम ए एन मैन से याद रख सकते हो। तो अपोजिट भी आपको याद हो चुके हैं, नंबर्स के थ्रू भी कैसे फाइंड आउट करना है ये भी आपको पता चल चुका है, और ई ज्योति के थ्रू हम कैसे नंबर्स की पोजीशंस को याद रख सकते हैं ये भी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो मैंने लेटर के बारे में बात करी, अब बात करते हैं नंबर्स के बारे में कि नंबर्स का क्या फंडा होता है, नंबर्स को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर्स बहुत सिंपल है, चीजों को समझना आसान भी है और काफी सिंपल भी है कि नंबर्स को किस तरीके से समझा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, जब नंबर्स की कोडिंग्स होती है तो नंबर्स की कोडिंग में चीजें आसान है, लेटर्स का मैंने बता दिया कि लेटर्स की कोडिंग्स कैसे होती है। तो जो नंबर्स की कोडिंग्स होती है ना, आप कॉपी में लिखते जाना साथ साथ में, यकीन मानिए तभी चीजें समझ आएगी। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपसे कि दिल्ली को, है ना, दिल्ली को जो दिल्ली वर्ड लिखा हुआ है डी ई एल एच आई, इसको किसी नंबर्स में कोड किया जा रहा है, और कोड कुछ इस तरीके से है कि 73541, ये एक कोड दिया हुआ है, दिल्ली को 73541 में कोड किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो कलकत्ता है, जो कलकत्ता है सी ए एल सी यू डबल टी ए, कलकत्ता को कोड किया जा रहा है, एक नंबर लिखा हुआ है 8258 8258 9662, ये कलकत्ता को कोड किया जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीकट को कैसे लिखेंगे, हम कालीकट को कैसे लिखेंगे, तो आप यहाँ पे कोड के थ्रू कैसे समझोगे। यहाँ पे सी है तो सी का कोड क्या दे रहा है, वो 8 दे रहा है, और ए, ए का कोड क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, और एल का कोड क्या दे रहा है, दिल्ली में 5 दे रहा है। इसी तरीके से आई का कोड क्या दे रहा है, आई का कोड 1 दे रहा है। इसी तरीके से सी का कोड क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। यू का कोड क्या दे रहा है, ये 9 दे रहा है। और टी का कोड क्या दे रहा है, टी का कोड तो 6 दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8251896,
दैट इज द आंसर राइट। आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से दो लेटर्स का कोड दिया हुआ है, उनमें से कोड को फाइंड आउट करना है और एक नया वर्ड हमें फॉर्म करने को दिया जा रहा है। तो चीजों को आप अच्छी तरीके से चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें बहुत सिंपल वर्ड दिया हुआ है और आप बताना कि क्या होगा आंसर। एम ए एन का कोड दे दिया हुआ है, एक का 13, एक का एन और एक का 14 दिया हुआ है, 13, 1 और 4। तो हमसे पूछ दिया गया कि टाइम का कोड क्या होगा, हमसे पूछा है कि टाइम का कोड क्या होगा। एम 13 नंबर पे आता है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है और एन जो है ना वो 14 नंबर पे आता है। डायरेक्टली टी हमारा 20 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, 9 छुपा हुआ है, एम हमारा 13 पे आता है और ई 5 पे आता है। तो इसका कोड हो जाएगा 29, 13 और 5। दिस इज अ कोड राइट। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने बता दिए, लेटर से रिलेटेड और अल्फाबेट से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड राइट, वो सारी बातें हमने बता दी। अब हम आते हैं इसके एग्जैक्ट क्वेश्चंस पे, वहां से चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्या होने वाली है, क्लियर होने वाली है कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चंस के बारे में और आप मचाने वाले हैं गदर। तो गदर मचाने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि क्वेश्चंस को तो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, क्वेश्चंस में आप फोड़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, अब आपका टाइम शुरू होता है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन सर्टन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में ट्रैक को कोड किया जा रहा है BATMP में, तो KCRT को कोड में क्या लिखा जाएगा? बहुत सिंपल है बॉस, यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है TRACK, इसको हम लिख रहे हैं BATMP। तो आपसे पूछा गया है कि आप मुझे ये बताएं कि KACRT को क्या लिखा जाएगा। तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या लिखा जाएगा। अब यहां पे देखिए के का कोड क्या है, पी, तो के का कोड हम क्या लिख देंगे, पी। ए का कोड क्या है, टी, तो ए का कोड क्या लिख देंगे हम, टी। ये हो गया KT। तो आप देख पा रहे हैं कहीं भी KT दिख रहा है क्या? अब देखिए, अब सी का कोड क्या है, एम है राइट, और आर का कोड क्या है, आर का कोड तो ए है, और टी का कोड क्या है, बी है। तो के का कोड तो पी है यार, मैंने ये के लिख दिया, PTMAB ऑप्शन नंबर फर्स्ट PTMAB। ये कैसे आ रहा है, बी टी इसका है, आर इसका है, ए ये है, सी ये है, के ये है, तो टी के बी, आर का ए, सी का एम और ए का टी। इसके थ्रू इसके आंसर्स को हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो आगे चलते हैं ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां भी तो आप गदर मचाने वाले हो। TIMEN को कोड किया गया है ACMOD में, तो EMTNIN को कैसे हम लिखेंगे, TIMEN को कोड किया गया है जिसका नाम लिखा हुआ है ACMOD। तो आप मुझे ये बताओ कि EMTIN को क्या लिख रहे हैं। तो E को किससे कोड किया गया है, O से, तो E की जगह पे क्या लिख देंगे, O। M को किससे कोड किया गया है, M से, तो OM लिख देंगे राइट। T को किससे कोड किया गया है, A से, OMA कहीं दिख रहा है क्या, OMA यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हमारा हो सकता है। I को क्या लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं बॉस, और N को क्या लिख रहे हैं, N को D लिख रहे हैं। तो आप देखिए लास्ट में N को D लिख रहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है OMA C और N का क्या होगा, N का तो G होगा ना, N का क्या होगा, G होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम N को क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं, ये G है, यहाँ भी क्वेश्चन में गलत हो गया, वो G है, तो ये भी G हो जाएगा राइट। तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, OMACG, वही हमारा करेक्ट है, यहाँ पे G होना है राइट, हमने D लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे जी और डी लिखता होता है, यहाँ पे डी, तो ऑप्शन में कहीं डी है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड है जिसको लॉन्च लिखा जा रहा है, क्या लॉन्च,
एल ओ एन जी ई, इसको कोट करके लिख रहे हैं हम एम एन पी क्यू और टी। तो आपको बताना है कि ई जी एन ओ एल क्या होगा, ई का टी होगा, जी का क्यू होगा, एन का पी होगा, ओ का एन होगा और एल का एम होगा। तो टी क्यू एम पी एन एम, टी क्यू पी एन एम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसी के कोड को तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ई के जगह पे टी लिख रहा है, ई के जगह पे टी लिख दिया और इसी वर्ड्स में से हम फाइंड आउट करके एक नया वर्ड बना पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो क्या आंसर आ रहा है इसका। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लैंग्वेज में एम एन ओ पी क्यू को, एम एन ओ पी क्यू को ए बी सी डी ई लिखा जा रहा है। एम एन ओ पी क्यू को क्या लिखा जा रहा है, ए बी सी डी और ई लिखा जा रहा है। तो क्यू पी ओ एन एम को क्या लिखा जाएगा, क्यू पी ओ एन एम, इसको लिखा जाएगा ई डी ई डी सी बी ए, उल्टे में ए बी सी डी, ई बी ई डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ई डी सी बी ए। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चंस को समझना, इनके पैटर्न्स को समझना, इनके क्वेश्चंस को करना। आगे चलते हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है टारगेट और टारगेट को कोड किया गया है कुछ वर्ड्स में जिसका नाम एम ओ पी जी एम लिखा हुआ है। टारगेट को टी ए आर जी ई टी, टारगेट को क्या लिखा जा रहा है, एम ओ पी एम ओ पी जी एम, जी और एम, ये ई नहीं है ना, टारगेट। अब यहां पे एक वर्ड है आर ए टी जी टी, तो R को हम क्या लिख रहे हैं, R को P लिख रहे हैं, तो R को हम क्या लिखेंगे, P। A को हम क्या लिख रहे हैं, A को O लिख रहे हैं, तो A के जगह पे क्या लिख देंगे, O। T को हम क्या लिख रहे हैं, T को M लिख रहे हैं, और G को क्या लिख रहे हैं, G को G लिख रहे हैं, और फिर T को क्या लिख रहे हैं, M लिख रहे हैं। तो P O M G M, P O M G M, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर कि एक नंबर एक लेटर लिखा हुआ है, सॉरी आर ई ए एस ओ, और इसको कोड करके ना कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है जी पी टी एम बी। तो आपको ये बताना है कि ए ई आर ओ एस को क्या लिखेंगे। देखिए ए का कोड क्या है, टी है, ई का कोड क्या है, पी है, आर का कोड क्या है, जी है, ओ का कोड क्या है, बी है, और एस का कोड एम है। तो टी पी जी बी एम, टी पी जी बी एम, टी पी टी पी Z G M B T P, यहाँ पे आप देख पाओगे कि क्या लिखा हुआ है आंसर्स, यहाँ पे T P Z B M, T P Z B M, Z B M, T P Z B M, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, Z B यहाँ पे होना था और M यहाँ होना था, तो जाके ऑप्शन नंबर सेकंड होता है। ये ऑप्शन में M पहले होता, B बाद में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है सेवंथ क्वेश्चन के अंदर। यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है, लिखा हुआ है टारगेट। टारगेट को हम टी ए आर जी ई टी को हम कुछ और लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, टी ई जी टी ई जी टी ई जी आर ए टी लिख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, ये जो T है ना वो यहाँ आ रहा है, ये जो E है ना वो यहाँ आ रहा है, ये जो G है ना वो यहाँ आ रहा है,
आर यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है और टी यहाँ आ रहा है, मतलब ऐसे क्रॉसिंग हो रही है नंबर्स की। तो यहां भी लिखा हुआ है मनोज, क्या लिखा हुआ है मनोज। तो ये जे को हम कहाँ रख देंगे, यहां पे रख देंगे। एम को हम कहाँ रख देंगे, एम यहाँ हो जाएगा। ए को हम कहाँ रखेंगे, जस्ट इसके पास में। और एन को कहाँ रखेंगे हम, ओ को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। और एन कहाँ हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। तो जे ओ ओ एम, सॉरी जे हो गया, फिर ये ओ हो गया, फिर एम हो गया, फिर ये ए हो गया, फिर ये ए हो गया। जोनम जोनम जोनम, ऑप्शन नंबर फोर्थ, जे ओ एन ए एम इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से रिप्लेस हो रहे हैं नंबर्स। तो ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितनी हम वेराइटीज करेंगे ना क्वेश्चंस की, उतनी ही चीजें हमें समझ में आएंगी। अब देखो यहां पे नंबर्स को क्या लिख रहे हैं, नंबर एन यू एम बी ई आर, और नंबर को हम लिख रहे हैं यू एन बी एम आर ई। ये देखो ये नंबर ऐसे हो रहा है, ये नंबर ऐसे हो रहा है, ये नंबर ऐसे हो रहा है, मतलब दो वर्ड्स आपस में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हमें बताना है जी एच ओ एस टी एस, तो ये ऐसे होगा, ये आपस में ऐसे होंगे, ये आपस में ऐसे होंगे, यानी एच पहले आएगा, फिर जी, फिर एस, फिर ओ, फिर एस और फिर टी, यानी कि एच जी एस ओ एस टी, एच जी एस ओ एस टी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप कि सेकेंड जो क्वेश्चन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से जो चीजें हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि एक सर्टन लैंग्वेज में फायर को ये लिखा जा रहा है, तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, फायर, एफ आई आर ई, फायर है, झुकेगा नहीं साला, सुना होगा ना ये डायलॉग आप लोगों ने, डी जी पी सी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, आई का जी आर का ये दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट एस एच ओ और टी। यहाँ पे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हमको दिख रहा हो, तो अब क्या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना, सी और ई के बीच में एक वर्ड का गैप है, सी के बाद डी और फिर ई, पी के बाद क्यू और फिर आर, जी के बाद एच छोड़ करके आई, ई के बाद एफ, डी के बाद ई छोड़ करके एफ, ए बी सी डी ई छोड़ करके, यानी कि हर एक लेटर के बीच में एक का गैप है, एक लेटर का गैप है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इनके बीच में भी एक का गैप होना चाहिए। तो देखो टी, टी से जस्ट पहले क्या आता है, एस आएगा, तो एस से जस्ट पहले क्या आएगा, पी क्यू आर, आर एस, ये हो जाएगा आर एस टी, ये हो जाएगा आर, यहां पे एस होना था गैप में और फिर टी होना था, ठीक है। अब इसी तरीके से ओ से ठीक पहले क्या होगा, एम एन ओ, एन होगा और यहां पे हो जाएगा एम, तो एम एन ओ, राइट, ओ एम एन यहां पे गैप हो जाएगा और यहां पे क्या आर एस गैप हो गया, राइट। अब एच, तो जी यहां पे हो जाएगा जी एच, जी से जस्ट पहले एफ, तो एफ जी एच, ये जी गैप में हो गया। इसी तरीके से एस है, तो एस से जस्ट पहले क्या हो जाएगा आर, और आर से जस्ट पहले क्या हो जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू एफ एम आर, क्यू एफ एम आर, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्यू एफ एम आर। तो आपको देखना है कि क्या पैटर्न्स उसके अंदर मिल रहा है, एक एक कम लेटर मिल रहे हैं या बाद में। तो ये आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ही वेराइटीज के थ्रू, उतने ही लॉजिक्स के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 19 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, और ये जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, ये 6 नंबर पे आ रहा है, ये 9 पे आ रहा है, और ये 18 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, तो ये हमारा 3 आ रहा है, तो 3 और 4, 1 के बीच में एक का गैप है, फिर यहाँ पे 16 पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, तो 4 के बाद 5 का गैप, फिर 6,
7 के बाद 8 का गैप, फिर 9, 16 के बाद 17 का गैप, फिर ये 18, 3 के बाद 4 का गैप, ये 5। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो कि 20 है, 20 के बाद 19 का गैप यानी कि 18, 18 पे R आ गया, 15, 15 के बाद 14 का गैप, ये 13 आ गया, 8, 8 के बाद 7 का गैप, 6 आ गया, ये F नंबर पे आता है, ये 17 हो गया क्योंकि यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो 18 का गैप फिर 17। तो जिस तरीके से आप उसके पैटर्न्स को फाइंड आउट करोगे वैसे ही आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है, और आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में, और चीज़ें बहुत आसान हैं। गन का GUN, गन मतलब समझ रहे हो ना, बंदूक, और इसको हम कोड करके लिख रहे हैं HVO। तो आपको बताना IBU को क्या लिखेंगे, IBU को क्या लिखेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो गैप हो रहा है, क्या हो रहा है, M के बाद N, N के बाद O, U के बाद V, G के बाद H। अरे ये तो जस्ट बात वाले नंबर है, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जी यू एन में क्या है, N के बाद O आता है, U के बाद V आता है, G के बाद H आता है, ये तो इसके जस्ट बात वाले नंबर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो भी नंबर होगा उसके जस्ट बात वाला नंबर हमें देखना है। आई, आई के बाद जे, सी, बी के बाद सी, यू के बाद बी, जे सी वी, जे आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे सी और वी, राइट। क्या हो जाना चाहिए, जे सी और वी होना चाहिए, या एच वी यू ओ लिखा है तो एच ए टी लिखा है यार यहाँ पे कोड में, आई वी यू नहीं है। ओके यार, ओके, एक सेकेंड, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। Then coded from, ये वर्ड किस वर्ड से लिया गया ये हमें बताना है, यानी कि क्वेश्चन में हो गया थोड़ा सा लॉजिक चेंज। ये नहीं पूछा है कि इसका कोड क्या होगा, ये बोल रहा है कि ये किस लेटर से आया हुआ है, यानी कि इसके जस्ट पहले वाले नंबर हम रखेंगे। तो आई बी यू के जस्ट पहले वाले नंबर हम रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप ए हो जाएगा, यहाँ पे ए के बाद बी आ रहा है, और एच, एच के बाद आई आएगा, और टी, एच ए टी होगा, हैट। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कि गन को कोड किया जा रहा है एच वी यू ओ से, यानी कि जस्ट बात वाले नंबर से। तो ये किस वर्ड से कोड होगा, आई बी यू, तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर से होगा, तो इसके जस्ट पहले नंबर क्या, एच ए टी, तो इसका आंसर होगा ये, हमें उस वर्ड को बताना है, उस विच वर्ड, तो एच ए टी वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में चर्चा करते हैं, और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एस ओ सी ए आई एल को लिखा जा रहा है टी क्यू एफ ई एन आर, एस ओ सी ए आई एल को क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है टी क्यू एफ ई एन आर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है इसमें कि क्या चीजें हो सकती हैं जो आगे इस पैटर्न में आ रही हैं। देखिए चीज़ें बहुत सिंपल है, एस ओ सी ए आई और एल, इसको लिख रहे हैं टी क्यू एफ ई एन और आर। अगर इसके नंबर्स की पोजीशंस लिख दूंगा तो उसके भी थ्रू आप सॉल्व कर पाओगे। 12 है ये, 9 नंबर पे आता है ये, 1 नंबर पे आता है ये, आता है हमारा 3rd नंबर पे ये, आता है हमारा 15 नंबर पे ये, आता है हमारा 19 नंबर पे। तो 19 के जस्ट बाद 20, 15 में 2 प्लस कर देंगे 17, 3 में 3 प्लस कर देंगे ओ माय गॉड 6, 1 में ये 4 प्लस कर देंगे 5, 9 में 5 प्लस कर देंगे तो 14, और फिर 12 के बाद ये हो गया 18, यानी कि ये है 19, इसमें प्लस किया जा रहा है 1, इसमें प्लस किया जा रहा है 2, इसमें प्लस किया जा रहा है 3, इसमें प्लस किया जा रहा है 4, इसमें प्लस किया जा रहा है 5, और इसमें प्लस किया जा रहा है 6। समझ पा रहे हैं इस खेल को, 19 में 1 को प्लस किया तो 20 हो गया, यानी कि टी आ गया, T20। 15 यानी कि ओ में 2 को प्लस किया, यानी कि 15 में 2 को प्लस किया 17 आ गया, 17 क्यू हो गए। सी में होता है तीसरे नंबर पे आता है, और इसमें अगर हमने 3 को प्लस कर दिया तो 6 हो गया, 3 और 3 6।
ए आता है फर्स्ट नंबर पे, इसमें फोर को प्लस कर दिया फाइव, यानी कि ई आ गया। आई होता है नाइन पे, इसमें फाइव प्लस कर दिया फोर्टीन हो गया, यानी कि एन। एल आता है ट्वेल्व, बारह नंबर पे, और इसमें सिक्स प्लस कर दिया एटीन हो गया, यानी कि आर। ये तो आप समझ गए। इसी तरीके से ये जो डिम्पल है ना, इसको कोड करके बताना है। तो डी आई एम पी एल ई है, तो इसका खेल क्या होगा? खेल बहुत सिंपल है। डी में हमें एक वर्ड्स को प्लस करना है, डी के जस्ट बाद वाला, ये फोर नंबर पे आता है फाइव, डी के बाद ई आ गया, बहुत सिंपल है। आई, आई में हमें दो प्लस करना है, नाइन टेन इलेवन, यानी कि के। थर्टीन पे आता है एम, इसमें थ्री प्लस करना है सिक्सटीन, और सिक्सटीन पे क्या आ जाता है पी। तो ई के पी दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन सही है। इतना करने के बाद में आप देख सकते हो, अब ये 16, 16 में 4, 4 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि टी आ जाएगा। एल 12 नंबर पे आता, 5 प्लस करेंगे 17, क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू। तो यहाँ पे देखिए ई के पी, ई के पी एल, एल के बाद 1 2 3 4 5 क्लियर करेंगे यार, तो एल आता 12 बन 17 17, और फिर 6, 6 में अगर हम 6 को प्लस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, सॉरी 11 होगा ना, 5 प्लस करेंगे तो 5 प्लस करेंगे यहाँ पे तो 11 होगा, यानी कि के आएगा वहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे के आएगा। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, ई के पी टी क्यू के, ई के पी टी क्यू के, ई के पी टी क्यू के, ये क्यू है क्यू है क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 12, जून जो है ना, जून, जून को कुछ लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है वो आपको समझाता हूं मैं। जून को वो क्या लिख रहा है, जून को लिख रहा है वो एन एक्स पी ई, एन एक्स पी ई। अब हो क्या रहा है आपको अगर समझेंगे ध्यान से, ये एफ है यार, पी एफ है, क्या है ये पी एफ है, क्वेश्चन में ये एफ है, ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये क्वेश्चन में एफ है, ध्यान से रखना। तो ये ई में क्या प्लस कर रहे हैं, वन, ये पाँच, ये सिक्स नंबर पे आ गया, ये फाइव है तो ये सिक्स नंबर पे आ गया। एन के बाद ओ पी, दो प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे, ये आ गया 16। अब यू 21 है तो ये 23 हो जाएगा, सॉरी 21 है तो 24 हो जाएगा ये, राइट। तो इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, प्लस 3, और इसमें प्लस 4, तो ई जे, ई आ गया, जे हमारा कितने पे आ गया, जे आता है हमारा ई ज्योति, तो जे आता है हमारा 10 नंबर पे, प्लस 4 14 नंबर पे आ गया, यानी कि पीछे की तरफ से 1 2 3 4 प्लस किया जा रहा है। तो हमें भी करना क्या है, एस टी ए वाई दिया हुआ है, तो बॉस हमें यहाँ पे यू वाई के बाद जेड आ जाता है, और जो कि जस्ट बाद नंबर है, बी के बाद ए के बाद क्या जाता है बी, राइट, सी आ जाएगा यहाँ पे, सी जेड आप देख पा रहे हैं कहीं भी सी जेड, अच्छा टी है, टी 20 नंबर पे आता है बॉस, तो 23 पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, राइट। और इसी तरीके से एस, एस 19 पे आता है, तो इस 19 में हम क्या प्लस कर सकते हैं, 4 प्लस कर सकते हैं 23 डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इस तरीके से हम ट्वेल्थ वाले क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और अब चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, बी ओ एम बी ए वाई, इसको कोड किया जा रहा है सी एन एन ए बी एक्स। अब हो क्या रहा है इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा, बी ओ एम बी ए वाई लिखा हुआ है, और इसको कोड करके क्या बता रहा है, ये बता रहा है सी एन एन ए बी एक्स। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, देखिए इस चीज को, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो B के जस्ट बाद वाला नंबर आ रहा है प्लस 1, B के बाद C 2 आ रहा है तो प्लस 1 कर देंगे 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, O, O के बाद N के बाद O आता है, यानी कि माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, यहाँ माइनस 1 हो रहा है, जस्ट पहले वाला नंबर, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, फिर माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, सो दैली में क्या होगा,
डी ई एल एच आई, तो सबसे पहले इसके जस्ट बाद वाला नंबर डी के बाद आ जाएगा ई, और यहाँ पे ई से जस्ट पहले वाला नंबर डी, एल के जस्ट बाद वाला नंबर एल के बाद आ जाता है एम, एल एम राइट, और एच से ठीक पहले वाला नंबर जी, और आई के जस्ट बाद वाला नंबर जे, तो ई डी एम जी जे, ई डी एम जी जे ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसने भी प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, ये जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न को हम फॉलो करना है, क्या करना है उसी पैटर्न को हमें क्या करना है फॉलो करना है। चलिए आगे चलते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 14th के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14th के अंदर। एक सर्टन लैंग्वेज को टूर को 1 2 3 4 में लिखा जा रहा है, एक सर्टन लैंग्वेज में टी ओ यू आर टूर को 1 2 3 4 में लिखा जा रहा है। इसी तरीके से क्लियर को सी एल सी एल ई ए आर क्लियर, क्लियर को 5 6 7 8 लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है 5 6 7 8 और 4। तो स्फेयर को और स्फेयर जो लिखा हुआ है ना इसमें देखो, स्फेयर एस पी ए आर ई, स्फेयर को क्या लिखा जा रहा है, एस को लिखा जा रहा है 9 0 8 4 7, ई को 7 पे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है ई को 7 लिखा जा रहा है। अब आपको बताना है कि ये स्कल्पचर लिखा है इसको क्या लिखा जाएगा, एस को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ एस नहीं है, यहाँ भी एस नहीं है, एस को 9 लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले तो 9 आएगा हमारा और आंसर में, यहाँ पे आंसर में करते जा रहा हूँ। सी आ रहा है दूसरे नंबर पे, सी कहीं आपको दिख रहा है क्या, सी यहाँ पे है 5 लिखा जा रहा है, चलो 5 आ गया। यू को क्या लिखा जा रहा है, यू को 3 लिखा जा रहा है कोड में, तो ये 3 हो गया। एल को क्या लिखा जा रहा है, एल को 6 लिखा जा रहा है, तो एल को 6 लिखा जा रहा है, चलिए। पी को क्या लिखा जा रहा है, पी को लिखा जा रहा है ओ 0 ओके। टी को क्या लिखा जा रहा है 1, यू को क्या लिखा जा रहा है, यू को लिखा जा रहा है 3, और आर को क्या लिखा जा रहा है, आर को लिखा जा रहा है 4, ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को लिखा जा रहा है 7, तो 9536 9536 01347 ऑप्शन नंबर फोर्थ। हमें उन कोड में से देखना है कि कौन से लेटर का क्या कोड दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी आसान हो जाएंगी। चलिए ये तो आपको समझ आ चुका है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में बात करते हैं। एल आई एन जी आर लिंगर, लिंगर एल आई एन जी आर, लाइगर मूवी का नाम था ये, लिंजर है एल आई एन जी ई आर, इसको क्या लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6, फोर्स को क्या लिखा जा रहा है सीई 9 8 6 7 और 5, तो हमें एफ को क्या लिखा जा रहा है कोड के अंदर 9, आंसर देखिए। आई को क्या लिखा जा रहा है, आई को 2 लिखा जा रहा है, आप यहां पे देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जो ई है उसको क्या लिखा जा रहा है 5 लिखा जा रहा है, हर जगह यहां भी देख लीजिए 5 और यहां भी देख लीजिए 5 लिखा जा रहा है। आर को क्या लिखा जा रहा है, आर को 6 लिखा जा रहा है, 6 लिख दिया मैंने। सी को क्या लिखा जा रहा है, 7 लिखा जा रहा है, तो सी को 7 लिख दिया। और ई को क्या लिखा जा रहा है, ई को फिर से 5 लिखा जा रहा है, तो 9 2 5 6 7 5 9 2 5 9 2 5 6 7 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 2 5 6 7 5 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। मैजिक को 4 5 8 7 6 लिखा जा रहा है, एम ए जी आई सी, अब ये नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं पूरे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है 4 5 8 7 और 6, अब यहाँ पे एक और कोड दिया हुआ ए आई सी एम जी, मैजिक को ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा ओके। देखिए यहाँ पे ए का कोड क्या है 5 है, आई का कोड क्या है 7 है, सी का कोड क्या है 6 है, एम का कोड क्या है बॉस 4 है, और जी का कोड क्या है 8 है, तो 5 7 6 4 8 5 7 6 4 8 ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द
करेक्ट आंसर। चलिए ना आगे चलते हैं, 17th क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। गिव को कोड किया गया है 5137 से, 5137 से, और बैट को 924 से, तो गेट को क्या करेंगे। लिखा हुआ है गिव, जी आई वी ई, क्या 5137 और बैट बी ए टी बैट 924, तो गेट का बताना है। जी का क्या है कोड 5 है, जी का कोड क्या है 5 है, ए का कोड क्या है 2 है, ए का कोड क्या है 2 है, टी का कोड क्या है 4 है, और ई का कोड क्या है 7 है। 5247 ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए ना आगे चलते हैं, 18th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पी ए एल ई को 2134 लिखा हुआ है, पी ए एल ई को लिखा हुआ है 2134। इसी तरीके से ई ए आर टी एच को क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 41590, तो पी ई ए आर एल को क्या लिखा है, पी का कोड क्या है, पी का कोड यहाँ पे 2 है, तो 2 आंसर, देखिए आंसर में कैसे आ रहा है 2 आएगा। फिर उसके बाद ई, ई का कोड क्या है बॉस, ई का कोड है 4, ए का कोड क्या है, ए का कोड है 1, आर का कोड क्या है, आर का कोड है 5, एल का कोड क्या है 3, 24153 ऑप्शन नंबर सेकंड, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में चर्चा करते हैं। आउट को कुछ कोड किया गया है, तो इनको क्या होगा, आउट ये 15 नंबर पे आ रहा है, देखिए कोड में भी, और ये 21 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 20 हो रहा है, ये तो कोड ही दे दिया डायरेक्टली यहां पे, तो इनका क्या हो जाएगा, ये 9 पे आता है और ये 14, तो 914, 9, 1 और 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 वाले के बारे में बात करते हैं। आर्मी को कोड किया गया है, आप देख पाएंगे इजिली, A R M Y, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है, और ये जो Y है ना ये 25 नंबर पे आता है बॉस, यानी कि डायरेक्ट कोड दे दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप देखें तो हमें बताना है लव, तो L किस नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है, वो किस पे आता है 15 नंबर पे आता है, जो V है ना V फॉर वैन, वो किस नंबर पे आता है 22 पे आता है, और ये 5, तो 12, 15, 22 और 5 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ करके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चंस को जान सकते हैं, और अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स, बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है चीज़ें, सबसे पहले आपको लिखना है ज्वाइन, और जो भी बैच चल रहा है उस बैच का नाम गद, और जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित और आप बिलोंग करते हैं इंदौर जैसी सिटी से, तो आप उस सिटी का नाम लिखेंगे, और आपको भेजना है इस नंबर पे मैसेज 8770077431, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना उसी नंबर पे आपको मैसेज करना है। आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, 1-to-1 क्वेश्चंस आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। God bless you. Thank you so much.